हमारा तो दिल नहीं करता इस गांव से जाने का। ये गन्ने, पेड़ पौधे, फूल, इतना अच्छा है सब कुछ। मन तो करता है कि बीच हम खो जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि हमारी एक नई जिंदगी स्टार्ट हुई है। मन हो भारी कितना भी, पर चेहरे पर हम मुस्कुराहट लगते हैं। अपनी बातें हम क्या करें, हर दर्द में ये लोग मुस्कुराते हैं। तो ये मेरे गांव का घर है, पर जादू का पिटारा खुल जाता है जब हम इस घर में आते हैं। आप कहेंगे ये प्रोग्राम अच्छा है या कि हम आपको भाते हैं? समय बीता, सब कुछ बदला, लेकिन बदला नहीं अंदाज मेरा। कितने आए और चले गए, क्या आप देंगे साथ मेरा? कहीं अतीत होता है, अतीत होता है जनाब, जिंदगी का भी एक गणित होता है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, हार के बाद ही तो जीत होता है। आइए मिलते हैं हर दिल अजीज मिस्टर विक्रम दास जी से। प्यार अनन्या को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो इस लॉकडाउन में इतनी मेहनत कर रहे हैं, टीम के साथ में वर्क कर रहे हैं। सैल्यूट के काबिल है ये लोग। वाकई में नव्या और अनन्या ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैं तहे दिल से इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं विक्रम दास, मानपुर जा बंगाली कॉलोनी जो कि रामपुर जिले में है, बिल्कुल उत्तराखंड से सटा हुआ मेरा गांव है। और पेशे से मैं मसियोर हूँ, जिसमें कि हम एक्यूप्रेशर और मसाज के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से लोगों के दर्द और दुख तकलीफों को दूर करने की कोशिश करते हैं। बस यही मेरा परिचय है, धन्यवाद। और लगभग हमारे इस रुद्रपुर शहर के 70% लोग मुझे जानते हैं कि मैं इस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, और उसी माध्यम से मुझे जानते हैं जैसे कि रविकांत खंडेलवाल जी हैं, जो आज मेरे आदर्श के रूप में मैं मानता हूँ उनको, श्रीमान अर्जुन गुप्ता जी हैं, रेव सिनेमा के मालिक, उसके बाद में पवन अग्रवाल जी हैं जो स्वास्तिक सॉल्वेंट चलाते हैं। तो इस तरीके के लोग के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरा काम इसी तरीके से चल रहा है। तो इन लोगों के आशीर्वाद से आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, मेरा एक सपना है कि आने वाले समय में मैं अपने और ऊंचाइयों पे जाना चाह रहा हूं। मतलब अपनी उड़ान, अभी तो मैं खड़ा हुआ हूं, अभी तो उड़ान बाकी है। तो कैसा लगा आपको मेरा प्रोग्राम? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और आप हमें अपने फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि आप ही चुना जाएगा।